सो हे गाइस, करण हियर। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कल मुझे एक लड़की का मैसेज आया था जिसने मुझसे कहा था कि सर, हमारा रिलेशन 8 साल का है। पहले हमारे घर वाले हमारे शादी के लिए मान गए थे, लेकिन अब मेरे पापा शादी के लिए नहीं मान रहे क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसके पास प्रॉपर्टी कम है, तो जिसकी वजह से मेरे पापा शादी के लिए नहीं मान रहे। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे सिचुएशन में आपके पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, आप भाग कर शादी कर लो, और जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि भाग के शादी करना इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको इस काम के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। और दूसरा, आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर लो, और हाँ, इस काम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर सकते हो। तो मम्मी पापा को कन्विंस करने का जो तरीका है मैं आपके साथ वही शेयर किया हूं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताया हूं कि आप अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस कर सकते हो, और मैं उनकी प्रॉब्लम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं किसी एक स्पेशल बंदी को वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप में से भी शायद कोई ऐसी बंदी होगी जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो देखकर आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। और इस वीडियो का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैम, आप अपने पापा को समझाना, पापा को कन्विंस करना, उनसे कहना कि पापा, प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं होता है, और वैसे भी मुझसे शादी करने के बाद कौन सा वो अपना सारा प्रॉपर्टी आपके नाम करने वाला है, तो इसलिए प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं होता है पापा, बस आप ये देखिए कि आपकी बेटी किस में खुश रहेगी। पापा, मुझे उस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, लेकिन मुझे देने के लिए उसके पास प्यार बिल्कुल नहीं है, मुझे देने के लिए उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पापा, मैं उसके साथ खुश रहूंगी कि नहीं नहीं जानती, लेकिन मैं इसके साथ खुश रहूंगी। और वैसे भी पापा, आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, लड़कियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी उनकी इज्जत होती है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं ऐसे लड़के के साथ रहूं जो मेरी रिस्पेक्ट करता हो, जो मेरी इज्जत करता हो, या फिर ऐसे लड़के के साथ रहूं जिसको मेरी कोई परवाह ही ना हो, जिसको मेरी कोई कदर ही ना हो? लेकिन ठीक है पापा, मैं आपकी बेटी हूं, हमेशा से आपकी बात मानती आई हूं, आप जिससे भी मेरी शादी करवाएंगे मैं कर लूंगी, लेकिन बाद में जब मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी, मैं उसके साथ जब घुट घुट के जीऊंगी, उस वक्त मैं मन ही मन आपको कोसती रहूंगी कि मेरे पापा ने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। क्या उस वक्त आप खुद को माफ कर पाएंगे? पापा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या सही क्या गलत, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन पापा, आप जिसे मेरे लिए चुनेंगे वो मेरे लिए परफेक्ट होगा कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जिसे मैंने अपने लिए चुना है वो मेरे लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब मैं उसके साथ होती हूँ ना, तो वो इंसान मुझे कभी आपकी कमी महसूस होने नहीं देता, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह ही मेरी केयर करता है, हर वक्त वो इंसान मेरी जहन में रहता है। पापा, अगर मैं उससे प्यार करती तो शायद मैं उसे छोड़ भी देती, लेकिन मुझे उसकी आदत हो चुकी है। अरे मैम, इतना सुनकर आपके पापा ऑब्वियसली कन्विंस हो ही जाएंगे क्योंकि इंसान है, इतना सुनने के बाद कन्विंस हो ही जाएंगे, लेकिन आप जब उनसे ये सारी बातें कहेंगी तो थोड़ा फीलिंग्स होना चाहिए एंड थोड़ी रियलिटी, बस आपका काम हो जाएगा पक्का। ऑल द बेस्ट मैम।